नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के अंदर रुपए पहुंचाए जाने का वीडियो वायरल होने के मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हरकत में आए जेल प्रशासन ने दोनों बंदियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर का कहना है कि वीडियो में दिखाई पड़ रहे दोनों बंदी खुली जेल में सजा काट रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में रुपए पहुंचाए जाने का वीडियो वायरल होने का मामला सुर्खियों में है। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद हरकत में आए जेल प्रशासन ने दोनों दोषी बंदियों नागेंद्र और उजियार सिंह के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि यह घटना 1 दिसंबर की है। दोनों बंदी खुली जेल के सजायाफ्ता हैं और जेल के बाहर काम करते हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद जेल प्रशासन ने भविष्य में इन्हें पैरोल नहीं देने और सजा माफी ना देने का निर्णय लिया है। ये जो घटना है ये पुरानी, ये आज कल या परसों की नहीं है, ये 1 तारीख की बात है। ये जो बंदी एक है नागेंद्र जिसका नाम है, जिसको पैसे लेते हुए दिखाया जा रहा है, ये बंदी भी बाहर काम करता है। स्वाभाविक है पैरोल जाता है, कमान पास है इसलिए गेट के बाहर काम करता है, गार्ड रूम की सफाई भी करता है, मुलाकात जहाँ होती है वहाँ की सफाई भी करता है, साथ साथ में जो परिजन आते हैं उनके कपड़े वगैरह जो आते हैं उनके रजिस्टर में लिखता है और इकट्ठा करता है और साथ में ये लेकर के आता है। वहाँ पे और भी कर्मचारी रहते हैं जो नाम लिखते हैं, इसी के साथ बैठते हैं। उस दिनांक को, 1 दिसंबर की दिनांक को जब 1-1.5 बजे मुलाकात ख़त्म हो जाती है 1:30 बजे के बाद, तब कर्मचारी भी बाहर निकल आए, ये वहाँ सीट पे बैठा रहा, ये अपने रजिस्टर वगैरह जो भी लिख रहा होगा। इसी में इसका और उजियार, ये उजियार सिंह जो बंदी है ये भी खुली जेल का बंदी है, बाहर ठेला लगाता है, कपड़े की दुकान लगाता है, ये सारे काम करता है। इसका कुछ आपस में कोई लेन देन रहा होगा, तो उस उजियार सिंह जो पैसा दे रहा है वो वस्तुतः खुली जेल का बंदी है जो पैसा इसको दे रहा है। क्या कार्रवाई हुई इसके बाद? हाँ, तो बताना ये चाहूँगा कि ये ऐसे नहीं है, ये आया बंदी तो तुरंत पकड़ा गया तो कार्रवाई की गई। कार्रवाई ये की गई है, खुली जेल का बंदी अंदर आ गया, अच्छे आचरण पर रहता है, बंद जेल में रहेगा, पैरोल जाता है, पैरोल निरस्त हो गई, पैरोल नहीं जाएगा। इसी प्रकार से ये नागेंद्र बंदी है, इसकी भी यही स्थिति है कि इसकी आचरण संबंधी संदिग्ध होने के कारण इसकी माफ़ी काट दी गई 1 महीना, जो भी वैधानिक नियम अनुसार कार्रवाई होती है, पैरोल जाता था, पैरोल बंद कर दी गई है, ये इसकी वैधानिक कार्रवाई है। और अभी भविष्य में ना ये पैरोल जाएंगे और ना इनको विशेष माफ़ी दी जाएगी। जेल प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि जेल के अंदर रुपए पहुंचाने के मामले में और किस किस की भूमिका है।